हेलो दोस्तों, आज हम चलेंगे मनाली टू मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। और ये जो आप देख रहे हो मनाली का न्यू बस स्टैंड है, यहाँ से हम सफ़र शुरू करेंगे अभी मणिकरण के लिए। और मनाली से मणिकरण डिस्टेंस होगा लगभग 81 किलोमीटर्स, 2.5 से 2 घंटा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। अभी बाइक आप रेंट में लेके जा सकते हो, बाई रोड बाइक में मजा ले सकते हो। पूरा रोड में राइडिंग करने के लिए भी बहुत देखने के लिए मिल रहा है। आगे आप देख रहे हैं अभी बहुत लाइन ऑफ है, पूरा सब जा रहे हैं बाइक में। और फोन पे बाइक आपको 1500 से शुरू होता है। आप बाइक लेके रेंट से पूरा घूम सकते हो, मनाली का मजा ले सकते हो। यहाँ पे राफ्टिंग का भी मज़ा उठा सकते हैं। आप अभी देख रहे हो राफ्टिंग होते हुए कैसे आ रहे हैं सब टूरिस्ट। अभी हाथ हिला रहे हैं, देखो भाई हमारा बहुत खुश लग रहे हैं। अब भी आके यहाँ मज़ा लीजिए, बहुत मज़ा लगेगा। अब राफ्टिंग के लिए आप एजेंट से बात करके राफ्टिंग कर सकते हैं, और आप खुद भी जाके बात करके राफ्टिंग बुक कर सकते हैं। हम भी मनाली में पहली बार आए हैं और मज़ा भी लग रहा है। पर अभी हमारे पास टाइम भी कम है और मणिकरण भी कवर करना है, तो अभी चलते हैं मणिकरण के लिए आगे। ये आगे वाला टर्न से हम अभी लेफ्ट टर्न करेंगे। यहाँ से मतलब यहाँ से सिंगल रोड शुरू होता है और यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये सिंगल रूट है। जैसे जैसे हिल टॉप में चलते हैं पहाड़ी के ऊपर, वैसे सीनर भी बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा लेंगे। चलिए फिर आ गए। ये जो आप देख रहे हो सिंगल रूट में कैसे बाइक सब कार सब जा रहे हैं, क्योंकि अभी केयरफुल चलाना पड़ता है यहाँ, और बहुत सारे मोड़ भी आते हैं, तो ऐसे मोड़ में एक्सीडेंट होने का काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो एक्सीडेंट के बचना भी है और घूमना भी है हमको। चलिए
ये आप देख रहे हो ट्रैफिक, आगे देखिए कितना बहुत सारा ट्रैफिक है और हम बहुत सारा ट्रैफिक भी फंस चुके हैं। अगर आप जल्दी निकलते हो तो ट्रैफिक से बच सकते हो और आराम से जाके आ भी सकते हैं। अभी फाइनली हम पहुंच गए मणिकरण में। चलिए दिखाते हैं गुरुद्वारा साहिब और आगे भी अंदर बाहर चारों तरफ भी देखेंगे गुरुद्वारा साहिब। चलिए ये आ गए मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। ये फ्रंट साइड है। ये यहाँ पे बहुत सारा भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे सेल्फी भी ले रहे हैं सब। और ये एक है कि गुरुद्वार में और गर्म पानी मतलब हॉट स्प्रिंग निकलता है। ये जो बाँफ देख रहे हैं यहाँ गर्म पानी यहाँ से बाहर निकलता है तो वही उसी का बाँफ निकल रहा है और अंदर गर्म पानी का और नहाने के लिए भी बनाया गया है, वहाँ सब आप नहा सकते हैं। और ये मानते हैं कि जो आप से बॉडी में कोई एलर्जी या कुछ ये होता है तो नहाने से वो ठीक हो जाता है यहाँ के। चलो अभी अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कैसे और क्या है सब। चलिए हम अभी सूर को अंदर रख के चलेंगे गुरुद्वार के अंदर अभी। और ये जो आप देख रहे हैं ना इतना काफ़ी सारा भीड़ है और यहाँ 24 घंटा का भंडारा भी लगता है। यहाँ सब जितना भी आते हैं बाहर से उनको सब खाने के लिए फ्री में देते हैं, वो 24 घंटा भंडारा लगे रहता है। यहाँ जो खाना सब बनता है जहाँ से गर्म पानी निकलता है उसी कुंड में चावल को डाल के उबाल के और चावल उसी में ही बन जाता है, कोई गैस या लकड़ी से जलाना नहीं पड़ता है। और ये हो गया गुरुद्वार के अंदर का सीन है। सब देख रहे हैं आप कैसे सब ध्यान में बैठे हुए हैं। हम भी भंडारा खाने के लिए आए हैं और जितना भी यहाँ पे आते हैं सब भंडारा खा के ही चलते हैं। और आप यहाँ हेल्प भी कर सकते हैं सबको खाना दे के बाट के। ये हो गया नहाने वाला कुंड, यहाँ पे आप नहा सकते हैं।